बिजनेस की कुछ ताजा खबरें इस छोटी सी वीडियो में। तो आज की फर्स्ट न्यूज एक्स के बारे में है, जिसको कि हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। तो एक्स ने एक नया ब्लॉक फीचर को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, जिसे ब्लॉक्ड यूजर्स पब्लिक पोस्ट और फॉलो लिस्ट को देख सकेगा, बट ब्लॉक्ड यूजर लाइक शेयर या फॉलो नहीं कर सकेगा। लेकिन ब्लॉकर्स के पब्लिक पोस्ट को देखने की विजिबिलिटी उनके पास रहेगी। एक्स के इस फीचर को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि यह हरासमेंट को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि ब्लॉक यूजर कंटेंट देख सकता है। एक्स ने इस पे कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट न्यूज ONDC के बारे में है। ONDC ने अक्टूबर में 14 मिलियन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, जो सितंबर में 12.9 मिलियन से थी, जो कि सितंबर से 7.6% ज्यादा है। ट्रांजेक्शन ने ईयर ऑन ईयर 200% का ग्रोथ दिखाई है, जो अक्टूबर FY23 में 4.5 मिलियन थी। मोबिलिटी ने 5.5 मिलियन और नॉन मोबिलिटी ने 8.4 मिलियन की ट्रांजेक्शन दिखाई है। फूड एंड बेवरेज ने 2 मिलियन की ट्रांजेक्शन देखी, वहीं ग्रोसरीज ने 1 मिलियन की। यहां पर फैशन को 11 मिलियन से ज्यादा लीड किया गया है। इस इनिशिएटिव में 84% का कट भी किया गया है, ताकि नेटवर्क पर मेजर प्लेयर्स का डोमिनेंस लिमिट किया जा सके और छोटे प्लेयर्स को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट न्यूज ओला के ग्रोथ रिपोर्ट के बारे में है। ओला को पोस्ट IPO बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्वालिटी और सर्विस कंप्लेंट की वजह से, जिसकी वजह से कस्टमर का डिसेटिस्फेक्शन और EV रजिस्ट्रेशन में कमी देखी गई है। एनालिस्ट का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक FY27 तक प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद है, पर ये वॉल्यूम और बैटरी प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। सर्विस क्वालिटी इशू की वजह से पब्लिक क्रिटिसिज्म बढ़ गया है। कंपनी अब सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए EY के साथ काम कर रही है, जो कि एक बिग फोर है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और मोटरसाइकिल में डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश भी कर रही है। एनालिस्ट का सजेशन है कि कंपनी को पहले टू व्हीलर पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि थ्री व्हीलर्स पर या मोटरसाइकिल पर। बैटरी प्रोडक्शन प्लान कैपिटल इंटेंसिटी और रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट की वजह से एग्जीक्यूशन रिस्क फेस कर रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी को और भी डिले कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज सिंगापुर गवर्नमेंट के बारे में है। सिंगापुर का मॉनेटरी अथॉरिटी MAS असेट टोकनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कर रहा है। MAS की प्रोजेक्ट और पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लाकर असेट टोकनाइजेशन का पोटेंशियल टेस्ट कर रहा है। फ्रेमवर्क का एम है बेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी बढ़ाना और टोकनाइज असेट्स के लिए। इसी के साथ सिंगापुर अपनी फिनटेक लीडरशिप को मजबूत कर रहा है, जो आने वाले टाइम में एक बेंचमार्क सेट कर सकता है। इस इनिशिएटिव में MAS की ब्लॉकचेन के रोल को फाइनेंशियल सिस्टम मॉडर्नाइज करने में एक्सप्लोर करने की कमिटमेंट को दिखाता है। नेक्स्ट न्यूज iOS 18.2 के बारे में है। तो उनके कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जिसमें से पहला अपडेट है ChatGPT का इंटीग्रेशन। सेटिंग में ChatGPT का इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया गया है। यूजर्स अब डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिशन नोट ऐप में किया गया है। नोट ऐप में हाईलाइटेड टेक्स्ट और इमेज जनरेट करने की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा आईफोन 16 के कैमरा सेटिंग में फोकस और एक्सपोजर लॉक करने के लिए नया ऑप्शन ऐड किया गया है। इसके अलावा यूजर्स अब खोई हुई आइटम्स की लोकेशन लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं, जिसे ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स मदद कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज OpenAI के बारे में है। तो OpenAI ने हाल में ही ChatGPT सर्च लॉन्च किया है, ताकि गूगल को चैलेंज किया जा सके। उधर ने इसे डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में टेस्ट किया है और इसे इम्प्रेसिव भी कहा है, लेकिन रोजाना इस्तेमाल के लिए इम्प्रैक्टिकल भी बताया है, खासतौर पर शॉर्ट नेविगेशनल क्वेरीज के लिए। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत सारी जगह पर अभी भी कमी देखी गई है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की सख्त रिक्वायरमेंट है। अगर इसको हम कंपेयर करें गूगल से, तो गूगल की क्वालिटी एड्स और SEO की वजह से ये गिर गया है, फिर भी क्विक कीवर्ड्स के बेसिस पर रिसर्च के लिए सुपीरियर है। नेक्स्ट न्यूज स्विगी के कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में है। रिसेंटली श्री हर्षा ने बोल्ट लॉन्च किया है, जो 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस पे एंटर कर रहा है, ताकि कस्टमर को जल्दी खाना मिल सके। इसके अलावा उन्होंने लोकल कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है, खासतौर पर फेस्टिवल सीजन के दौरान, ताकि डाइवर्स मार्केट नीड्स को एफिशिएंटली केटर किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने स्विगी के इंस्टामार्ट को ट्रेडिशनल ग्रोसरी रिटेलर्स जैसे डीमार्ट से अलग दिखाने पर ध्यान दिया है, कंपनी की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पर फोकस किया है। उन्होंने AI और टेक में ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट की बात की है, ऑपरेशनल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए और IPO के बाद क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी का कमिटमेंट भी दिया है। नेक्स्ट न्यूज मेटा के लामा मॉडल के बारे में है। मेटा US एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को लामा AI का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी काम करने के लिए अलाउ कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, IBM और Oracle जैसे टेक जाइंट्स भी शामिल है। वैसे तो मेटा लामा 3 का यूज मिलिट्री या न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन उन्होंने खास US मिलिट्री के लिए इसको ओपन कर दिया है, जो अब लॉजिस्टिक, साइबर डिफेंस और एंटी टेरर फाइनेंसिंग पर फोकस करेगा। और एक लामा का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट के लिए करता है।
मेटा अमेरिकन ओपन सोर्स एआई के एडवांसमेंट में अहमियत को समझाता है, जबकि चाइना भारी मात्रा में एआई डोमिनेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा दूसरी टेक फर्म जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भी मिलिट्री ऑपरेशन गवर्नमेंट को एआई और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मिलिट्री का पूरा साथ दे रही है। और आज की फन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे,